हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज आज 14 दिसंबर को टोटल दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है सी ओ पी ट्वेंटी एट मच डन बट स्टिल नॉट इनफ इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जिसमें सी ओ पी ट्वेंटी एट के आउटकम्स के बारे में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है मेन्स के लिए और प्री दोनों के लिए दो हज़ार चौबीस के नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है एंड द अनसर्टेनिटी ये आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है और इस आर्टिकल में हम इंडिया की जो रिफ्यूजी पॉलिसी है उसको डिस्कस करेंगे किसके रिस्पेक्ट में श्रीलंका के रिस्पेक्ट में जो श्रीलंकन रिफ्यूजीज इंडिया में रह रहे हैं उसके रिगार्डिंग नेशनल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा प्री पर्सपेक्टिव और मेंस दोनों से ही इम्पॉर्टेंट यह आर्टिकल है अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए कॉमेंट करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस हमारा फर्स्ट आर्टिकल है सी ओ पी ट्वेंटी एट मच डन बट स्टिल नॉट इनफ यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है जी एस थ्री एन्वामेंट मीन्स के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है 2022 में मेंस में ग्लासगो सब्मिट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और लगातार जो है आप पिछले छः सात साल उठा के देखेंगे तो यू जो सबमिट होते हैं ईयरली सबमिट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें जो भी रिजल्ट्स आते हैं आउटकम्स आते हैं और जो इश्यूज रह जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन लगातार आपको मेंस में पूछे जाते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है प्री में भी आपको लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं तो मीन्स और प्री दोनों परस्पेक्टिव से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है यू फ्रेमवर्क के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं अर्थ समिट में 1992 में जो है आउटकम जो आया था उसका रिजल्ट क्या है यू फ्रेमवर्क जिसमें ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कैसे रिड्यूस किया जाए क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उसको कैसे कम किया जाए मिटिगेशन और अडेप्टशन टारगेट के बारे में बात की गई है और पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम ओवरऑल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री या फिर 2 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर अर्थ का इससे ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर ना बढ़े इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करने की ज़रूरत है उसके लिए हम लोगों ने नैचुरली डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात की है और उसके बाद फिर आ, हर साल दर साल जो है कुछ टारगेट जो है अचीव करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो ग्लोबल फेनोमेना है इशू है उसको एड्रेस किया जा सके शुरू करते हैं आर्टिकल सी ओ पी ट्वेंटी एट के जो आ, आउटकम्स हैं वो उसके बारे में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है फर्स्ट टाइम एक्नॉलेजमेंट ऑफ नीड टू मूव अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल पहली बार एक्नोलेज किया गया है कि फॉसिल फ्यूल से अब बाहर निकल कर के हमें ग्रीनर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है दूसरा इम्पॉर्टेंट आउटकम है अ फर्स्ट प्रोमिस टू रिड्यूस मिथेन एमिशन मिथेन एमिशन को भी रिड्यूस करने के लिए पहली बार प्रोमिस किया गया है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में ये दोनों चीज़ों को डाला है जो कि अनएक्सपेक्टेड था ये चीज़ें एक्सपेक्टेड नहीं थी जो चीज़ें एक्सपेक्टेड थी पहले से वो क्या है ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लॉस एंड डैमेज फंड ग्लासगो सब्मिट में ही आ गया था और उसके बाद उसको ऑपरेशनलाइज इस सबमिट में किया गया है फाइनेंशियल जो कमिटमेंट्स हैं वो इस सबमिट में किए गए हैं और जो एक और एक्सपेक्टेड आउटकम था वो क्या है एन एग्रीमेंट ऑन ग्लोबल एडाप्टेशन गोल ग्लोबल एडाप्टेशन गोल पर भी एग्रीमेंट फाइनली साइन हो चुका है ठीक है तो ये हमारे आउटकम रहेंगे अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशन की सी ओ पी ट्वेंटी एट से क्या एक्सपेक्टेशन थी तो सी ओ पी ट्वेंटी एट लास्ट अपॉर्चुनिटी थी कि ऐसे टारगेट सेट किए जाएं जिससे हम लोग ओवरऑल जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 1.5 डिग्री या मैक्सिमम 2 डिग्री तक लिमिट कर सकें इसका मतलब क्या है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको हम लिमिट करना चाहते हैं वन डिग्री और ऑब्लिक टू डिग्री तक बाय ट्वेंटी ठीक है इसे करने के लिए हमने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट डिसाइड किए थे और वो जो टारगेट हैं वो अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उस टारगेट को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए ये सी ओ पी ट्वेंटी एट में देखा जाना था और यही एक्सपेक्टेशन थी कैसे देखा जाना था पैरिस एग्रीमेंट में डिसाइड किया गया था कि दो हजार तेईस से ग्लोबल स्टॉक टेक किया जाएगा ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब क्या होता है ये प्री के परस्पेक्टिव से टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल स्टॉक टेक एंड असेसमेंट ऑफ वेयर द वर्ल्ड वॉज इन फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वॉट मोर नीडेड टू बी डन ठीक है जो आपने एनडीसी नेशनल डिटर्माइन कॉन्ट्रीब्यूशन थे उससे कितना अचीव हो पाएगा ये सारी चीज़ों का असेसमेंट करने के लिए दो हजार तेईस डिसाइड किया गया था ईयर ठीक है तो सी ओ पी ट्वेंटी एट इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ों का असेसमेंट करेंगे कौन से टारगेट बनाए गए थे कितने इम्प्लीमेंट हुए और क्या एक्स्ट्रा किया जाना चाहिए कि हम ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वन पॉइंट फाइव डिग्री और टू डिग्रीज़ सेंटीग्रेड ओवरऑल राइस का ग्लोबल अर्थ का टेम्परेचर का वो हम अचीव कर पाते हैं या नहीं ठीक है तो ये ईयर कौन सा था ग्लोबल स्टॉक टेक असेसमेंट ईयर था 2023 के बाद से अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट हर पाँच साल में ये जी ग्लोबल स्टॉक टेक किया जाएगा ये असेसमेंट किया जाएगा तो ये लास्ट अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए कि हम अपने जो टारगेट है उसे चेंज करें अगले पाँच सालों के लिए ठीक है अब बात करते हैं आउटकम्स की क्या क्या आउटकम थे हालांकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी क्यों ज़्यादा थी क्योंकि 2023 ऑलरेडी सबसे हॉटेस्ट ईयर बन चुका है है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट चुके हैं इसलिए हमें ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करें क्लाइमेट चेंज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है गो ग्रीन करने की ज़रूरत है एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है लेकिन हमारा असेसमेंट भी देखें और टारगेट भी देखें तो वो अभी बहुत दूर है अचीव करने के लिए जो हमारे टारगेट्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के ठीक है अब आउटकम में बात करेंगे फर्स्ट जो आउटकम था फॉसिल फ्यूल फेज आउट आफ्टर मच डेलीबरेशन द फाइनल एग्रीमेंट कॉल्ड अपऑन द कंट्रीज टू कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बहुत ज़्यादा डेलीब्रेशन के बाद जो फाइनल एग्रीमेंट साइन हुआ उसमें क्या वर्ड यूज़ किया ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल धीरे धीरे हमें क्या करना है ट्रांजिशन करना है किससे दूर जाना है फॉसिल फ्यूल से सो एज़ टू अचीव नेट ज़ीरो बाय 2050, ताकि हम नेट ज़ीरो अचीव कर सकें बाय 2050। इंडिया का नेट ज़ीरो टारगेट क्या है बाय 2070। सेवेंटी देर वर नो शेड्यूल और टारगेट सम कंट्रीज़ वाज एक्सट्रीमली डिसपॉइंटेड दैट द टर्म फॉसिल फ्यूल फेज आउट हैज़ नॉट बीन यूज ठीक है तो फॉसिल फ्यूल फेज आउट की बात नहीं की गई है सिर्फ ट्रांजिशनिंग की बात की गई है मतलब ग्रेजुअली आप ट्रांजिशन करेंगे फॉसिल फ्यूल से किस तरफ ग्रीनर टेक्नोलॉजी के तरफ ठीक है कोई इस टारगेट नहीं दिए गए हैं कोई ऐसा टारगेट नहीं कि इतने साल में फॉसिल फ्यूल का यूज़ पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था लेकिन एक अच्छी शुरुआत है कि पहली बार जो है फॉसिल फ्यूल के ट्रांजिशन की बात की जा रही है उससे फेज आउट ना सही उसे फेज डाउन करने की तो बात की गई है फर्स्ट टाइम ये एक्नॉलेज किया गया है दूसरा जो इम्पॉर्टेंट आउटकम है ट्रिपलिंग ऑफ रीन्यूअल एनर्जी ठीक है क्या था दी ओ पी एग्रीमेंट कॉल्स अपॉन कंट्री टू वर्क टूवर्ड्स ट्रिपलिंग ग्लोबल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ रीन्यूअल एनर्जी जो अभी रिन्यूअल एनर्जी है उससे हमें ट्रिपल करने की जरूरत है ट्रिपलिंग कर रहे हैं रीन्यूल एनर्जी के इंस्टॉलेशन में हालांकि एक इशू इसमें भी है क्या इशू है क्लियरली ये कहा नहीं गया है कि कौन सी कंट्री कितना करेगी हर कंट्री को ट्रिपल करना है या फिर ओवरऑल जो है ट्रिपल होगा ऐसा कुछ क्लियरली टारगेट नहीं सेट किया गया है तो हमें नहीं पता है कि किस तरीके से हम ये ट्रिपलिंग को एंश्योर कर पाएंगे तो ये इशू भी है इसके साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है फेज डाउन ऑफ कोल ठीक है फॉसिल फ्यूल में कोल भी आता है लेकिन ऑलरेडी कोल की बात हम ग्लासगो सबमिट में कर चुके हैं ठीक है ग्लासगो सबमिट में हमने अलग से बात की थी फेज डाउन करने की कोल की इसलिए इसे अलग से सेपरेट इशू की तरह लिया जा रहा है देयर वॉज अ मूव टू स्टुलेट दैट नो न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट कुड बी ओपन विदाउट एन इन बिल्ड कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज फैसिलिटी बट दिस वॉज स्ट्रांगली रजिस्टर्ड बाई इंडिया चाइना साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज एग्रीमेंट में ये भी डालने की कोशिश की गई थी कि अब कोई भी नए कोल पावर प्लांट नहीं खोले जाएंगे जब तक कि उसमें इन बिल्ड कार्बन कैप्चर स्टोरेज फैसिलिटी ना हो सी सी एस फैसिलिटी अगर है तभी जो है कार आ, कोल जो थर्मल पावर प्लांट है कोल पावर प्लांट है उसे ओपन किए जाएंगे पर इसको बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ये सारी चीज़ों को रजिस्ट किया गया और फाइनली इट वॉज ड्रॉप्ड एंड ग्लासगो लैंग्वेज वॉज रिटेन देयर इज नथिंग अबाउट दिस फेज डाउन इज टू बी मेजर्ड एंड फ्रॉम वॉट बेस लाइन ठीक है तो ग्लासगो लैंग्वेज वापस रिटेन रखी गई जिसमें फेज डाउन की बात की गई मतलब धीरे धीरे इसे ग्रेजुअली क्या किया जाएगा इसके यूसेज को कम किया जाएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आउटकम की वो है मिथेन एमिशन पहली बार मिथेन एमिशन को रिड्यूस करने की बात की गई है मिथेन की अगर हम बात करें तो ये वाइड स्प्रेड ग्रीन हाउस गैस है जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट है और एटी टाइम्स ये मोर पोटेंट है सी ओ टू के ये मतलब एटी टाइम्स ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करती है पर डिकेड और टू में जो है ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और ये प्रिलम्स में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी ठीक है तो पहली बार इसमें एग्रीमेंट में बात की गई है एक्सेलरेटिंग एंड सब्सटेंशली रिड्यूसिंग नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ग्लोबली इंक्लूडिंग इन पर्टिकुलर मिथेन एमिशन बाय 2030. ठीक है तो नॉन नॉन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन की फर्स्ट टाइम बात की गई है जिसमें पर्टिकुलरली मिथेन की बात की गई है कि इसके कॉन्सनट्रेशन को कम करना है बाय ट्वेंटी पर बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर एक्सट्रीमली अपोज टू एनी मैंडेट टू कट मीथेन एमिशन मेनली बिकॉज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज हैपन टू बी एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक इंडिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज जो डेवलपिंग है लो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इसे रजिस्ट किया है उसका मेन रीजन क्या है क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो सबसे बड़ा सोर्स है मिथेन एमिशन का इसलिए किसी भी तरह के टारगेट नहीं बनाए गए हैं बस इतना कहा गया है कि मिथेन एमिशन के कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाएगा बाय ट्वेंटी थर्टी द एग्रीमेंट डज नॉट मेंशन एनी टारगेट किसी भी तरह का टारगेट नहीं है 2030 तक इसे कम करने का लॉस एंड डैमेज फंड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है ये ऑपरेशनलाइज हो चुका है और फाइनेंशियल कमिटमेंट भी हो चुके हैं 800 मिलियन यूएस डॉलर का कमिटमेंट हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा कम है ठीक है लेकिन शुरुआत है एटलीस्ट शुरुआत तो हुई है लास्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट आउटकम है वो है ग्लोबल गोल ऑन अडोप्टेसन ठीक है ग्लोबल गोल ग्लोबल ऑन अडाप्टेसन ग्लासगो कॉन्फ्रेंस में ही डिसाइड हो गई थी कि इसको जो है क्या किया जाएगा अडॉप्ट किया जाएगा और दो साल का टाइम दिया गया था इसके फ्रेमवर्क को प्रिपेयर करने का द वर्क प्रोग्राम रिजल्टेड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सम कॉमन एडाप्टेशन गोल्स सच एस रिडक्शन इन क्लाइमेट इंड्यूस वाटर स्कॉर्सिटी अटेनिंग क्लाइमेट रेजिलियंस इन फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रेजिलियंस अगेंस्ट क्लाइमेट इंड्यूस हेल्थ इम्पैक्ट ठीक है तो जनरली हम मिटिगेशन टारगेट पर फोकस करते हैं किस तरीके से हम ग्रीन हाउस एमिशन को कम करें हम एडाप्टेशन पे कोई टारगेट नहीं बना रहे थे एडाप्टेशन का मतलब क्या है जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है उसके कारण क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे होने वाले जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको कैसे हम कम कर सकें उसको कैसे एडाप्ट कर सकें अगर फ़्लड आ रहा है तो फ्लड से लोगों को कैसे बचाया जा सके इसको हम कैसे क्या कहेंगे अडाप्टेसन कहेंगे और उसके लिए फाइनली हमने ग्लोबल टारगेट बनाए हैं और उसमें क्या क्या आइडेंटिफाई किया गया है हमने पहला जो गोल है वो है रिडक्शन इन क्लाइमेट इंड्यूस वाटर स्कॉसिटी जैसे कि ड्रॉट जैसी सिचुएशन है इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है वाटर स्कारसिटी जो कि ड्रॉट के कारण हो रही है ऐसे ही ऐसे जो चीज़ें हैं उससे हम किस तरीके से बचें अडाप्टन प्रोसेस किस तरीके से होनी चाहिए इस तरीके के टारगेट यहाँ सेट किए गए हैं ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन इसमें कोई भी फाइनेंशियल प्रोविज़न अभी नहीं डाला गया है और आने वाले सालों में फाइनेंशियल प्रोविजन्स आएंगे तब ये बेसिकली क्या किया जा सकेगा एक्चुअल में इम्प्लीमेंट और मटेरियलाइज किया जा सकेगा होपफुली ये सारे जो है आउटकम्स आपको समझ में आ गए होंगे एक बार समअप कर देता हूँ फॉसिल फ्यूल फेज आउट की बात सबसे पहली बार की गई मीथेन एमिशन के रिडक्शन की बात सबसे पहले बार एक्नॉलेज किया गया कि इसे ट्वेंटी तक रिड्यूस करना है दोनों में कोई टारगेट नहीं किए गए कोल की बात की गई कि उसमें भी आ, उसे भी हम फेस डाउन करेंगे हालांकि नए कोल पावर प्लांट खोलने के लिए कार्बन स्टोरेज फैसिलिटी ज़रूरी वाला जो लाइन थी वो हटा दी गई और सिर्फ फेज डाउन करने की बात की गई ग्लोबल गोल ऑन अडाप्टेशन एक फ्रेमवर्क है वो भी एक्सेप्ट किया गया हालांकि इसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं किए गए लॉस एंड डैमेज फंड ऑपरेशनलाइज किया गया जिसमें फाइनेंशियल कमिटमेंट किए गए लेकिन वो फाइनेंशियल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा कम थे ठीक है तो ये हमारा ओवरऑल क्या हो जाएगा आउटकम्स हो जाएंगे प्लीज़ ये सारे आउटकम आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए इस तरह का डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ठीक है कि क्वेश्चन आपको क्या आ सकता है कि क्या क्या सी ओ पी ट्वेंटी एट के आउटकम्स हैं और डू यू थिंक इट इज़ इनफ और सफिशेंट टू मेंटेन द टारगेट ऑफ वन पॉइंट फाइव डिग्री और टू डिग्री टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर राइज ठीक इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मेन्स में इंपॉर्टेंट है होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया हो हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है एंड द अनसर्टेनिटी यह आर्टिकल द हिंदू में आया है और जी एस टू आई आर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जी एस थ्री इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है प्रिलिम्स में पूछने की संभावना कम है लेकिन मेंस में ज़रूर पूछा जा सकता है इंडिया श्रीलंका के जो रिलेशन है उसमें भी आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे आर्टिकल शुरू करते हैं इन टी गणेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स मदुरई बेंच ऑफ हाई कोर्ट इन इट्स जजमेंट डायरेक्टेड द अथॉरिटी टू ट्रीट द पेटिशनर एंड इज फैमिली एज इंडियन सिटीजन दस एक्सटेंडिंग टू दैम रिलीफ मेजर दैट तमिलनाडु गवर्नमेंट प्रोवाइड टू री पैट्रियार्ट्स फ्राम श्रीलंका श्रीलंका से जितने भी इंडियन तमिल थे जो नाइन्टीज़ में लौटे थे उन्हें किसी भी तरीके से अभी तक सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं की गई है ऐसे कई सारे हमारे यहाँ इलीगल माइग्रेंट की तरह रह रहे हैं रिफ्यूजीज़ की तरह रह रहे हैं उन्होंने क्या किया है पेटिशन दर्ज की थी कहाँ पर हाई कोर्ट में और फाइनली हाई कोर्ट का जो रिज़ल्ट है जो जजमेंट है वर्डिक्ट है, वो आ चुकी है और उसमें जो पेटिशनर है जो कि 69 ईयर ओल्ड हैं जो कि अभी रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं उन्हें फ़ाइनली इंडियन सिटीजन का दर्जा दिया जाएगा उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी ऐसी वर्डिक कोर्ट के द्वारा दी गई है बेसिकली जो पेटिशनर थे वो 1990 में इंडिया वापस आए और 1982 के बायलेटरल एग्रीमेंट में जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ था बेसिकली वो किससे रिलेटेड था जो कि तमिल और इंडियन ओरिजिन तमिल लोग हैं उनसे रिलेटेड कि उनकी वापसी इंडिया में एक्सेप्ट की जाएगी बहुत सारे माइग्रेंट्स वहाँ से रिफ्यूजीज श्रीलंका से इंडिया में आए थे लेकिन उन्हें अभी रिफ्यूजी कैंप में ही रहना पड़ रहा है इनके पास पासपोर्ट है इंडिया का लेकिन उसे कंसीडर नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा जो पेटिशनर है उनका भी पासपोर्ट देखा गया था लेकिन उसमें जो फ़ोटो थी वो उनके बहुत एकदम जवानी की फ़ोटो एकदम यंग के टाइम की फोटो है इसलिए सरकार जो है उसे डिनाई कर रही थी इंडियन सिटीजनशिप लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा ये वर्डिक्ट में उन्हें इंडियन सिटीजनशिप प्रोवाइड की गई है जो कि बहुत बड़ा रिलीफ है पूरे 40 साल से वो इंडिया में रह रहे हैं और उसके बावजूद भी उन्हें इंडियन सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की जा रही है नहीं दी जा रही थी और ऐसे कई सारे इंडियन तमिल्स हैं जो कि रिफ्यूजी बन श्रीलंका से आए थे उस समय बहुत ज़्यादा क्या हुआ था जब लिट्टे के अगेंस्ट में राजीव गांधी ने फोर्स भेज दी थी तो बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स इंडिया में आए थे रिफ्यूजीज इंडिया में आए थे और वो यहाँ पर कैंप में रह रहे हैं है ना अगर आप नंबर देखें तो लगभग लगभग अंठावन हज़ार ऐसे हैं जो कि कैंप में रह रहे हैं और टोटल 91,000 वन थाउजेंड रिफ्यूजीज तमिलनाडु में ओवरऑल बसे हुए हैं ये सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी तक के क्या नहीं दिया गया है सिटीजनशिप नहीं दी है तीस तीस चालीस चालीस सालों से ये इंडियन ओरिजिन तमिल्स जो कि श्रीलंका में रहते थे वो इंडिया में वापस आके रह रहे हैं लेकिन इन्हें किसी भी तरह का रिलीफ नहीं दिया गया है लेकिन हाई कोर्ट का ये डिसीज़न इन नब्बे हज़ार लोगों के लिए एक होप बन सकता है अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की लीगल पोजीशन की तो वो जो भी रिफ्यूजीस आए हैं उस समय से जो भी इंडियन ओरिजिन तमिल्स हैं जो भी इंडिया में आए थे उन्हें क्या माना जा रहा है इ माइग्रेंट माना गया है हालांकि उन्हें सारे बेनिफिट्स एंटाइटल्ड हैं है ना वो सारे पढ़ा सकते हैं अपने बच्चों को रह सकते हैं काम ढूंढ सकते हैं लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो इंडिया के सिटीज़न नहीं है और भी कुछ राइट्स होंगे जो उनको नहीं दिए जा रहे होंगे वो सारे अधिकार जब तक के इंडियन सिटीजन नहीं बनते तब तक आपको नहीं मिलते यही सरकार की पोजीशन है डीएमके स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टडी की थी कि लगभग आठ हज़ार ऐसे रिफ्यूजी हैं जो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हैं ऐसा कोई लॉ नहीं है जो उनको इंडियन सिटीजनशिप को लेने से रोक रहा है अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें ओवरऑल स्टैंड की बात करें किस में रिफ्यूजी से रिलेटेड इश्यूज में माइग्रेंट से रिलेटेड इश्यूज में तो इंडिया का स्टैंड क्या है ये आपको समझने की ज़रूरत है इंडिया ने यू 1951 रिफ़्यूजी कन्वेंशन को साइन नहीं किया है और 1967 प्रोटोकॉल को भी साइन नहीं किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिलिम्स में आपको पूछा जा सकता है कि इंडिया जो है रिफॉर्मेंट प्रिंसिपल नॉन रिफ़ॉलमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करता है बिल्कुल फॉलो करता है नॉन रिफ़ॉलमेंट प्रिंसिपल का मतलब क्या है अगर कोई भी जो है रिफ्यूजी uh, हमारे पास आता है तो हम उसे असाइलम देते हैं उसे वापस पर्जिक्टेड कंट्री जहाँ पर उसे सताया जा रहा है वहाँ वापस नहीं भेजते अपने पास रखते हैं उसे सिटीजनशिप नहीं देते लेकिन उसे कई सारे एंटाइटलमेंट्स होते हैं जैसे वो काम कर सकता है और अपना जीवन यापन कर सकता है जब तक कि स्थिति वापस ठीक नहीं हो जाती एक बार वापस ठीक हो जाएगी जहाँ पर uh, जिस कंट्री से वो आया है तो उन्हें रिपेट्रिएशन किया जाएगा मतलब उन्हें वापस अपने स्वदेश भेजा जाएगा लेकिन जब तक की स्थिति अच्छी नहीं है तब तक के वो हमारे देश में रह सकते ये क्या है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉर्मेंट है तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है 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 कि इंडिया जो नॉन प्रिंसिपल को फॉलो करता आया है और अभी भी कर रहा है दूसरा ऑप्शन आ सकता है है इसलिए कर रहा है इंडिया क्योंकि इंडिया ने यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन को साइन किया है इसलिए इंडिया को ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ रहा है ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है इंडिया ने ये साइन नहीं किया है प्रिलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ठीक है तो ये इंडिया की क्या है जनरल पॉलिसी है माइग्रेंट्स को लेके और जितने रिफ्यूजीज़ हैं उनको लेके ठीक है द गवर्नमेंट ऑल्सो फेवर टू वॉलेंटरी रिपेट्रिएशन ऑफ रिफ्यूजीज़ टू श्रीलंका जो केंद्र सरकार है श्रीलंका के केस में क्या क्या चाहती है कि वॉल्ट्री रिपेट्रिएशन हो जाए मतलब श्रीलंका से सरकार से बात कर रही है कि जो तमिल्स हैं जो कि श्रीलंका से आए थे पहले उन्हें वापस धीरे धीरे करके कहाँ पहुँचाया जाए उनकी कंट्री में श्रीलंका में वापस श्रीलंका उन्हें वापस एक्सेप्ट कर ले ये इंडिया की पॉलिसी रही है इसलिए जो इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया था उसमें श्रीलंका के रिफ्यूजी को इंक्लूड नहीं किया गया था पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश केवल तीन कंट्री के रिफ्यूजीज को हमने उसमें इंक्लूड किया था जिसमें हमने सिटीजनशिप देने की बात की गई थी ठीक है लेकिन हमने श्रीलंका के जो रिफ्यूजीज़ हैं उनको इंक्लूड नहीं किया था क्यों नहीं किया था क्योंकि सरकार की ये पॉलिसी है कि धीरे धीरे करके जो श्रीलंकन तमिल्स हैं जो इंडियन ओरिजिन तमिल हैं श्रीलंका के इंडिया में उन्हें धीरे धीरे करके उन्हें स्वदेश भेजा जाए सेंटर शुड एंश्योर फॉलो अप एक्शन ऑन डी एम के गवर्नमेंट स्टडी जो सरकार है केंद्र सरकार उन्हें जो डी एम के है उनके द्वारा जो डिसीज़न जो स्टडी की है जिसमें आठ हज़ार लोगों को सिटीज़नशिप प्रोवाइड की जा सकती है आसानी से उस पे केंद्र सरकार को काम करने की ज़रूरत है एक चीज़ आपको पता होना चाहिए सिटीजनशिप केवल और केवल केंद्र सरकार दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं है इसलिए यहाँ पर डीएमके सरकार ने स्टडी की थी कि, कि कितने लोगों को दिया जा सकता है लेकिन फाइनली सिटीजनशिप कौन दे सकता है केंद्र सरकार सारी चीज़ें किसके हाथ में हैं केंद्र सरकार के हाथ में है इट शुड फर्स्ट आइडेंटिफाई दोस एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप अंडर द लीगल फ्रेमवर्क एंड अनसरटेन देयर देयर कंसेंट ठीक है तो सबसे पहले केंद्र सरकार जो 8000 लोग हैं उन्हें देख ले कि इन लोग एलिजिबल हैं या नहीं और अगर हैं तो उनकी कंसेंट ले सकती है और सरकार को यूनियन गवर्नमेंट को श्रीलंका से भी बात करने की ज़रूरत है ताकि वॉल्ट्री रिपेट्रिएशन वॉल्टरी रिपैट्रिएशन का मतलब क्या होता है वापस स्वदेश भेजना ताकि श्रीलंकन गवर्नमेंट सारे लोगों को सहमति के साथ जो रिफ्यूजीज़ हैं उन्हें अपने देश में वापस ले लें ठीक है और उसके अलावा इंडिया जो है और भी बात कर सकती है इन लोगों को असिस्टेंस दे सकती है बहुत सारे प्रोग्राम जो है सरकार के द्वारा ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं जैसे कि श्रीलंका में जो इंडियन तमिल्स हैं उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं किसके द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि जो रिफ़्यूजीज़ हैं वो बेहतर ज़िंदगी जी सकें डिग्निटी वाली लाइफ जी सकें होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा इसमें दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है जो यू रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1967 और प्रोटोकॉल है नाइन नॉन ना, ना, सॉरी 1951 एंड प्रोटोकॉल है 1967 इसको इंडिया ने साइन नहीं किया है लेकिन इंडिया प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉलमेंट अभी भी फॉलो करता है प्लीज़ ये दोनों चीज़ नोट डाउन कर लीजिए यही इंपॉर्टेंट है यही क्रक्स है इस आर्टिकल का है ना ये हमारा ओवरऑल आर्टिकल था होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी अच्छे से थैंक यू एन्जॉय योर डे